हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट्स से बातचीत शुरू करते हैं। प्रभुदास लिल्लाधर की वैशाली पारेख हमारी एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली, आगे बढ़ने से पहले 7900 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा है, तो पहले राय उसी पे। आज जैसे शुरुआत हुई ऐसा लग नहीं रहा था कि निफ्टी इतनी करेक्ट होगी। मुझे लग रहा था 7920 तक सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये ग्लोबल क्यूज से इंपैक्ट से टूट रही है, आई थिंक आज का लो 7850 7860 तरफ भी जा सकती है निफ्टी। ओके, तो अभी और गिरावट आने की आप यहाँ पर गुंजाइश देखती हैं। निफ्टी बैंक पे क्या कहेंगी, 16800 का लेवल टूटता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो कल से ही लग रहा था, एक्चुअली काफी रन अप हो चुकी थी और 17100 का रेजिस्टेंस तो था ही। आज भी 17020 के ऑट के आसपास से करेक्शन शुरू हुआ है, सो मे बी बैंक निफ्टी की रेंज मुझे आज के लिए 16700 का सपोर्ट लग रहा है। ओके, इस बीच यूरोप के बाजार भी खुल चुके हैं और एक बार देखते हैं उनके संकेत क्या आ रहे हैं। नुकसान देखने को मिल रहा है वहां भी, ऐसा लगता है कि दुनिया भर के बाजारों को जो उम्मीद थी कि और ऑक्सीजन मिलेगा सेंट्रल बैंक्स की ओर से, वो ना तो अमेरिका में मिला और ना जापान में। तो अब लिक्विडिटी का थोड़ा सा क्रंच ग्लोबल मार्केट्स को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ये सेंट्रल बैंकर्स और ज्यादा मजबूती देने के मूड में नहीं है बाजारों को, और यूरोप पे भी वो असर आता हुआ फिलहाल देखना होगा। ये केवल नीजक रिएक्शन है या आगे भी टिकता है। खास स्टॉक्स की हम अगर बात करें आज वैशाली, तो HCL टेक पे नजर बनी हुई है। नतीजे कमजोर रहे, करीब करीब हर एक पैमाने पर मिस हुआ है, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे वो सेल्स हो, प्रॉफिट हो। लेकिन क्या आपको लगता है चार्ट पे कि एक सपोर्ट कहीं आसपास है या अभी और गिरेगा? नियर टर्म सपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो 780 के आसपास आता है, और ये स्टॉक देखा जाए तो काफी दिनों से एक नैरो रेंज में चल रहा है, तो आई थिंक 780 होल्ड करना चाहिए ये लेवल। 780 होल्ड करने की उम्मीद आप यहां पर करेंगे, यानी यहां से भी करीब करीब 25-30 रुपए की गिरावट मुमकिन दिखाई देती है। लेकिन वहीं ऐसे मार्केट में आप देखिए, यस बैंक का स्टॉक नतीजों के बाद से मजबूती दिखा रहा है, क्या कॉल देंगे आप उस पर? फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है ये लेवल पे एक्चुअली। जिसके पास ये स्टॉक हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये होल्ड करे, क्योंकि आई थिंक ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है, अगर मार्केट सस्टेन हुई तो आई थिंक ये 940-980 तक ये स्टॉक जा सकता है। 940-980 तक जाने की गुंजाइश, यानी 940 के करीब तो है, 980 की तरफ जाने की उम्मीद आप यहाँ पे करती हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर डायमंड पावर का दिखाई देता है, करीब 10% की तेजी यहाँ देखी जा रही है। मेरे ख्याल से आज तीसरा दिन है जब इसने सर्किट लगाया है, तो जाहिर है कि केवल 3 दिनों के अंदर ही ये स्टॉक तकरीबन 50% तो बढ़ चुका है, क्या कॉल होगी आपकी? टेक्निकली ये स्टॉक 45 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आई थिंक वहां पे एक बार तो बुक करना चाहिए। 45 के आसपास ये स्टॉक अटकेगा ऐसी गुंजाइश, यानी अब एक और सर्किट लगना थोड़ा सा मुश्किल, एक सर्किट शायद लग सकता है, उतनी जगह बाकी है। ईपीसी इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक अगर आप देखें बहुत ज्यादा चर्चित तो नहीं है, लेकिन M&M ग्रुप की कंपनी है, ड्रिप इरिगेशन के कारोबार में है और मॉनसून के मौके पर इस पर नजर होती है। लेकिन आज नजर इसलिए है क्योंकि कंपनी ने परिणाम बहुत अच्छे दिए हैं, 21% इसकी आमदनी बढ़ती हुई नजर आई है और 60 लाख रुपए का मुनाफा था, उसके मुकाबले में करीब करीब 4 करोड़ का मुनाफा आया है, तो 6-7 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं ईपीसी इंडस्ट्रीज के वैशाली? ईपीसी आज तो काफी तेजी से खुला है और ट्रेंडिंग मोड में भी है, तो लेकिन फ्रेश बाइंग 135 के सपोर्ट से करी जाए, और आई थिंक पोजिशनल टारगेट इसके 165-170 तक आ सकते हैं। ओके, स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट वैशाली पारेख बनी हुई है, इनसे राय लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर आज हमने अच्छे खासे मूव्स देखे हैं ऊपर या नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग एक स्टॉक है और करीब 4.5% की गिरावट हम देख रहे हैं, आमदनी 10% कम हुई है, मुनाफा भी करीब इतना ही घटा है, इसका असर आते हुए वैशाली क्या कॉल है आपकी, क्या आप भी निकलना चाहिए? ये स्टॉक में एक्चुअली करेक्शन आ रहा है और भी आ सकता है, अप्रोप्रिएट लेवल है 58। एक बार ये स्टॉक अगर आप लेना चाहेंगे तो 58 के आसपास लेना चाहिए, और एक बार 70 को क्रॉस करे तो स्ट्रेंथ दिखेगी और फर्दर अपसाइड टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये अगला स्टॉक करीब 5% टूटता हुआ नजर आ रहा है, प्रमोटर्स ने तकरीबन 3% अपना हिस्सा बेचा है और उसके चलते ये कमजोर होता हुआ, जब प्रमोटर्स बेच रहे हो तो क्या ट्रेडर्स को भी बेच के निकल लेना चाहिए?
1220 का एक सपोर्ट आता है ये स्टॉक में, तो अगर ये स्टॉक डेफिनेटली वीकनेस तो आई गई है, तो ये स्टॉक अगर 1220 लेवल्स टूटते हैं तो और भी वीकनेस आ सकती है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। 1220 पे स्टॉप लॉस लगाएं फिलहाल अगर आपके पास है ये स्टॉक जुबिलेंट फूड का, अगर उसके नीचे जा रहा हो तो निकलिए। और मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों पे अगर आप नजर डालें, आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे करीब करीब 9% का इजाफा है और 4 गुना वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वैशाली क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ये सब स्टॉक्स में सिर्फ मोमेंटम कॉल्स रेकमेंड करती हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रेकमेंड नहीं करूँगी, बट फिलहाल मैं HDIL ट्रैक कर रही हूँ और आई थिंक उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 90, काफ़ी रन अप हो चुके हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो आई वुड प्रिफर ओबरऑय रियल्टी, HDIL, DLF ऑल्सो 130 132 तक के लिए। ओबेरॉय रियल्टी पे आपके क्या टारगेट होंगे, लेवल्स होंगे? आई थिंक यहाँ से और भी 10-15% मुनाफा हो सकता है। 10 से 15% ओबेरॉय रियल्टी पे अगर इस वक्त कोई एंट्री ले, स्टॉप लॉस क्या होगा? फिलहाल मैंने ट्रैक नहीं किया है, आई जस्ट टेल यू द लेवल्स। 288-289 के बीच इस वक्त चल रहा है, आज बता दें आपको 3.25 रुपए के आसपास का इजाफा है और 15 लाख शेयर। ओबेरॉय रियल्टी के हिसाब से तो लिक्विडिटी बड़ी अच्छी कही जाएगी। एक्चुअली ये स्टॉक 250 का अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो 250 से इसका बाई आ रहा है, तो आई थिंक इसका टारगेट 300-320, सो उस हिसाब से जिन्होंने लिया है तो 300-320 के पास बुक कर ले और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो 250 के आसपास। ओके, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ, हमारी एक्सपर्ट वैशाली पारिक बनी हुई है। वैशाली, अगला स्टॉक जिस पे हमारी नजर है वो है जिंदल ड्रिलिंग। आप देखिए 15% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखी जा रही है और इस हफ्ते लगातार ये तेजी में रहा है। आज वॉल्यूम आप देखें तो 30 गुना है इस हफ्ते 36% बढ़ने के बाद। ओवरहीटिंग जैसा लग रहा है? डेफिनेटली ये काफी अबनॉर्मल मूवमेंट है, एक तरफ ही चला है ये स्टॉक, सो 200 के आसपास तो रेजिस्टेंस आता ही है, तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को तो बुक कर लेना चाहिए 200 के आसपास। ओके, एक और स्टॉक अगर आप जाने से पहले नजर डालें वो है MTNL का। कल काफी तेजी देखी गई थी और आज लगता है कि ट्रेडर्स फंस गए, क्या आपको भी ऐसा लगता है, निकल लेना चाहिए? 16 के स्टॉप लॉस से स्टॉक पकड़ सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल अभी मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स में वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मे बी इफ मार्केट सस्टेन्स तो ये स्टॉक 20 तक जा सकता है। ओके, कोई डिस्क्लोजर्स आपके? जो भी स्टॉक्स अपने बात हुई है मैंने ट्रेडर्स को, मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए होंगे, लेकिन मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है।